इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है आपके कैरियर को बनाने के लिए, और वो लोग जो आपके आसपास हैं उनका क्या किरदार है आपका माइंडसेट बनाने के लिए। जो कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है कि आपको ये पता हो कि आपकी टाइप क्या है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी टाइप क्या है तो फिर आप कोई सा भी कैरियर चूज़ कर लोगे। आप वो कैरियर चूज़ कर लोगे जिसके मार्केट में बहुत ज़्यादा शोर है, और उससे होगा क्या कि शायद वो कैरियर आपके लिए ना हो और यू एंड अप बीइंग फ्रस्ट्रेटेड, और आप ज़ाहिर ऑब्वियसली कामयाब नहीं हो सकोगे एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिन लोगों के लिए वो कैरियर बना भी था और उन्होंने वो कैरियर सेलेक्ट भी कर लिया। सो टाइप्स से क्या मुराद है, कितने किस्म के टाइप्स होते हैं? यहाँ पर चार किस्म के टाइप्स हैं। आपको ये देखना है कि आप इनमें से कहाँ फॉल करते हो। क्या आप एकेडमिक टाइप हो, थोड़ा गीक टाइप हो, पढ़ने लिखने में आपको अच्छा लगता है, आपका रिसर्च में किताबों में आपका दिल लगता है, या आप एंटरप्रेन्योरल टाइप हो, आपको किताबों से ज़्यादा एप्लीकेशन पसंद है, आपको रिस्क लेना पसंद है, आपको नई चीज़ों को ट्राई करना पसंद है, या आप थोड़ा क्रिएटिव टाइप हो। क्रिएटिव टाइप से मुराद है कि आप आर्टिस्ट टाइप हो या आप कंटेंट क्रिएटर टाइप हो। ये वो लोग होते हैं जैसे जिनके पास स्किल्स होते हैं, जैसे वीडियो एडिटर्स हो गए, या वॉइस ओवर एजेंट्स हो गए, या वर्डप्रेस डेवलपर्स हो गए, या कोडर्स हो गए। ये वो क्रिएटिव टाइप के लोग हैं जो एक स्किल एक्वायर करते हैं और उसके बाद उस स्किल को यूज़ करना शुरू करते हैं इन वेज जो कंपनीज को फ़ायदा देती हैं या जो इंडिविजुअल्स को फ़ायदा देती हैं जिनके लिए ये लोग फ्यूचर में काम करते हैं। या आपकी टाइप ऑपरेशनल टाइप है, यानी कि आप मैनेजर टाइप आदमी हो, अकाउंटेंट टाइप आदमी हो, टैक्स कंसल्टेंट्स जो ऑडिटर टाइप आदमी हो, आप कोई ऑडिटिंग पसंद है। ये वो लोग हैं जो सिस्टम का पार्ट होते हैं। ये भी उतने इंपॉर्टेंट हैं जितने बाकी सारे टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं। हर टाइप की एक अपनी सिग्निफिकेंस है और इन्हीं लोगों के होने से सिस्टम बनता है। तो पता कैसे चलेगा कि हमारी टाइप क्या है? इसके लिए एक प्रीवियस वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, आपके पर्सनालिटी टेस्ट हैं, वो गो ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। गूगल में आपने खाली सर्च में जाके सर्च करना है कि आपको ये पर्सनालिटी टेस्ट कौन से हैं, और आप कोई भी फ्री टेस्ट ले लें, आप में से कोई पेड लेना चाहे पेड ले लें, आपको आपकी पर्सनालिटी टाइप पता चल जाएगी। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिससे आपको आइडिया हो सकता है कि आपकी टाइप क्या है, वो ये कि आज से सिंपल सी बात है कि आज से 3 साल के बाद आपको अगर कोई ड्रीम लोकेशन या ड्रीम कैरियर आपको मिले तो वो क्या होगा, तो वे डू यू सी योर सेल्फ। तो इसका एक छोटी सी एक्सरसाइज ये होती है कि आप अपनी आंखें शाखें बंद करें और आप विजुअलाइज करें तो आपको कहाँ अपना आप कहाँ महसूस होता है, कि आपको महसूस होता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर टीचिंग कर रहे हैं, कि आपको महसूस होता है कि आप किसी ओवरसीज यूनिवर्सिटी के अंदर आपको स्कॉलरशिप मिला हुआ है, जिसका मतलब आप थोड़ा या आप रिसर्च कर रहे हैं, किसी लैब में मौजूद हैं, तो ये आपका मोस्ट प्रॉब्ली आपकी एकेडमिक टाइप है, या आप अपने आप को एक पब्लिश्ड ऑथर के तौर पे देख रहे हैं। और अगर आप अपने आप को कोई बिजनेस रन करते हुए देख रहे हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट बिजनेस हो, चाहे वो कोई सर्विसेज का बिजनेस हो, तो इसका मतलब है कि आपकी टाइप जो है वो एंटरप्रेन्योरल है। इसी तरह अगर आप अपने आप को कंटेंट क्रिएट करते हुए देख रहे हैं, या आप अपने आप को किसी स्किल को यूज़ करते हुए, किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए देख रहे हैं, या आप अपने आप को पेंट करते हुए देख रहे हैं, या आप अपने आप को कोई वुडवर्क करते हुए देख रहे हैं, या आप अपने आप को कोई भी क्रिएटिव काम करते हुए देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी टाइप जो है वो क्रिएटिव टाइप है। यानी कि कोई एक स्किल ऐसा है आपके पास जिसको आप यूज़ कर रहे हैं और इन ए क्रिएटिव वे, तो ये आपकी क्रिएटिव टाइप है। इसके बाद आपके ऑब्वियसली अगर आप अपने आप को किसी किसी बड़े सिस्टम का पार्ट देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आप किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं, या बैंक मैनेजर के रूप पर काम कर रहे हैं, या आप किसी एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप या अकाउंटेंट हैं, या आप कंसल्टेंट हैं, या ऑडिटर हैं, तो इसका मतलब है कि आप ऑपरेशनल टाइप के आदमी हैं। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी जो भी टाइप है उस टाइप के अंदर कैरियर कैसे परसू करना है, और वाइल वी आर बिल्डिंग द कैरियर इन दैट टाइप, उससे पहले हम इसको मोनेटाइज कैसे करेंगे और किन स्किल्स को अक्वायर करेंगे।